हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू, और ये शर्मा जी। ये रानी और ये शर्मा जी। मैं रेनू और ये शर्मा जी, शर्मा जी विलेज लाइफ, आप सबको पता ही होगा इनका चैनल। तो हम दोनों आप सबका वेलकम करते हैं हमारे और आपके अपने चैनल में। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर मैंने आज का वीडियो बनाया है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँ। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप लोगों के साथ में, वैसे मैंने जब मेरा चैनल मैंने स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग जर्नी में मैंने एक दो वीडियो आपके साथ में शेयर किए थे। उस टाइम पर टाइम होता था, आजकल टाइम नहीं होता, तो मैं मेरी मन की बात आप लोगों से बहुत कम कर पाती हूँ। इस चीज़ को अगर समझना है तो मेरी कम्युनिटी आज की पढ़ लेना जी, इनकी कम्युनिटी पढ़ लेना, ठीक है? उसमें इन्होंने बहुत डीपली इस चीज़ को समझाया है। और वो होता है ना, कई बार आप लोग परिवार हो, ब्लॉगिंग रोज़ करते हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल आप रोज़ देखते हो, लेकिन कई बार मन करता है कि आप लोगों से बैठ करके सुकून के साथ बात की जाए। और आज मैं इस घर में हूँ तो मेरे इमोशन जो है ना, और हालात कुछ ऐसी है कि मन वैसा ही हो रखा है, भावुक टाइप का, आप समझ सकते हो भावुक कैसा, और आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। आज 25 होगी ना, आज 25 डेट है, और 4 के डे में आरती की तबीयत ख़राब हुई थी। 4 के डे से लेके आज 25 है। आज 25 तक मेरी मम्मी अपने घर नहीं गई है ना। 4 को मम्मी जिन हालात में थी, जैसी थी वैसी ही आरती के साथ निकली थी, उन्हीं हालात में गई थी, और उसके बाद में आज तक वो अपने घर नहीं गई है। उसने ऐसे ही कपड़े कभी कोई ले आया, एक दो किसी का कुछ, किसी का कुछ, ऐसे करके उसने पहनकर अपना काम चलाया। और सोचिए आप, हॉस्पिटल में रह करके एक बंदा कैसे रहता है, कैसे उसकी लाइफ हो जाती है, कितना स्ट्रेस उसके माइंड में हो जाता है, कितना वो थक जाता है, कैसा खाना उसको मिलता है, और सामने पेशेंट जो है उसकी कंडीशन देखो आप, आरती की कंडीशन कैसी है, उससे वो कितना कितना ज़्यादा मतलब परेशान रहता है। आज मैं यही सोच रही हूँ, आज क्या, मैं कई दिन से मेरे दिमाग में ये बातें चल रही है। हम लोग दोनों बात करते हैं यहाँ पे, बच्चों के साथ रहते हैं, खुश दिखाते हैं, लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं, लेकिन अंदर जो आप लोगों ने देखा होगा, शर्मा जी यहाँ मेरे साथ हर एक सिचुएशन में खड़े हैं, तो जितना ये समझते हैं, निकल चले जाएंगे, जितना ये समझते हैं उतना आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितना ये समझते हैं मेरे परिवार को, और कितना ये मेरे परिवार को, क्या हमारा परिवार को, मतलब इनका भी परिवार है वो, कितना ये हमारा साथ देते हैं। तो मम्मी की वो कंडीशन ये भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं। वो माँ आज इतने दिन से अपनी बेटी को इस कंडीशन में देख कर भी वो मजबूत खड़ी है, ठीक है। मैं भगवान से, आप लोगों से आज एक गुजारिश करने के लिए आई हूँ कि आप लोग दुआ करना उसकी ज़िंदगी में आगे खुशियाँ आएँ। उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं देखा यार, जब 23 ईयर्स की थी ना, जब पापा की डेथ हो गई थी, जब मम्मी 23 की थी, हम चार बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद में, सोच कर देखिए वो दिन जहाँ, जब यहाँ पर ये रूम नहीं होता था, बस सिंगल रूम और एक किचन थी, और इसकी दीवार जो है ना, ये आपको पीछे दीवारें दिख रही, काफ़ी छोटी छोटी दीवार थी, ऊपर देखो सीमेंट से, अभी बाद में हुआ है ये, अभी 2-3 साल पहले छोटी छोटी दीवारें थी। इस घर में हम लोग रहते थे, एक नई अनजान सिटी में हम लोग आकर बसे थे, तो कैसे वो रही होंगी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में। मैं 11th क्लास में थी, बाकी छोटे तो कितने होंगे, आरती 5th में थी है ना, इनको तो क्या पता, आरती 5th में थी जब हम लोग यहाँ आए थे। उसने उस टाइम से लेके जब से आज तक बस संघर्ष ही किया है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग एक तो दुआ करना उसके लिए, और दूसरा आज मैं मोटिवेशन किस चीज़ का आप लोगों के सामने देना चाहती हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में भी हैं, जिनके हालात बहुत ख़राब है, हमने भी वो बहुत ख़राब हालात झेले हैं, अभी भी झेल रहे हैं, लेकिन वो मोटिवेशन जो होता है ना, वो आप लोगों को देने के लिए। कल जो परसों भी मेरे पास एक कमेंट आया था कि एक माँ अकेली होकर के भी 4 से 5 बच्चों का पेट भर देती है, पालन पोषण कर देती है, और अंत समय में बेटा बेटा करके बोला था उन्होंने कि अंत समय में बेटा, वो एक माँ 4-4 बेटों से नहीं संभाली जाती। बड़ा दुखद मैसेज। तो बस ये
जैसे इन्होंने कहा भगवान ना करे किसी माँ में ये दिन आए, वैसे आते हैं बहुत सारी माँओं में आते हैं, लेकिन हाँ मैं अब क्या कह रही थी, मेरी मम्मी ने उस टाइम से लेके और अब तक संघर्ष किया, लेकिन एक चीज़ और देखना, वो इस छोटे से एक घर में रह कर के, एक कमरे में रह कर के, कुछ ना होते हुए भी और बहुत ज़्यादा संघर्ष करके सपने देखती थी, सपने देखिए वो सपने देखती थी कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, और उन सपनों को देखने के साथ साथ उनको आगे वो सपने कायम मतलब पूरे हों उसके लिए वो मेहनत भी करती थी। कैसे मेहनत करती थी, रात को 12 बजे 1 बजे तक जब तक हम पढ़ते थे मेरी मम्मी सोती नहीं थी, मेरे ख्याल से कोई भी माँ नहीं सोती जब तक उसके बच्चे पढ़ते हैं, मेरी मम्मी भी सोती नहीं थी, वो दूसरे इधर बाहर बैठ जाती या इधर बैठ जाती पूरी उस टाइम तक जब तक हम पढ़ के, और सोने का टाइम हमारा नहीं होता था जब तक वो जागती रहती थी, ठीक है। और उसी का फल है, अब मोटिवेट होने वाली बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अभी दे रही हूँ, आ रही हूँ। तो मोटिवेट होने वाली बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसने बिना डरे, ठीक है, उन सपनों की बदौलत अपने एक बेटे को क्या बनाया, बड़े वाले को डॉक्टर, डॉक्टर मतलब कंप्यूटर डिग्री से पीएचडी, पीएचडी कर ली उसने, मेरे भाई ने पीएचडी की, एजुकेशन में अच्छा था, स्कॉलरशिप बहुत मिली। मैं उन लोगों को कहना चाह रही हूँ जो ये कहते हैं कि हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है, हम पढ़ेंगे कैसे, सपने बड़े रखो, पढ़ाई पर फोकस रखो, पढ़ते रहते हैं, मतलब हम एक जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी मेरे भाई को स्कॉलरशिप मिली है, आरती को भी मिली है, मैंने प्राइवेट एजुकेशन ली है ज़्यादातर क्या 10th तक स्कूल गई हूँ, उसके बाद में तो मेरे सारे मैंने फॉर्म भर के ही मैंने एमए किया है, आरती को भी स्कॉलरशिप मिली है ग्रेजुएशन टाइम में, ठीक है। तो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट, अगर कोई आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। मेरा भाई गया है, अब भाई प्रोफेसर क्या डॉक्टर हो गया, पीएचडी कर ली, और भाभी प्रोफेसर, ठीक है। अब मम्मी यहाँ तक उनको लेकर आई, सोच कर देखिए आप कितना मोटिवेशन मिलता है ना। बस यही कुछ मन की बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, हैं बिल्कुल जी, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कैसे भी हालात हों, आप हारे नहीं थके नहीं, बस सपने ऊँचे रखिए और सपनों को कायम मतलब सपनों को पूरा करने के लिए जो कोशिश आपसे हो सकती है वो कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि कोशिश करने से ही सपने पूरे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारी भी लाइफ में, मम्मी से सीखा है और ऊपर से इनके मम्मी पापा के स्ट्रगल इन्होंने बताया हुआ है आप लोगों को, तो इन्होंने भी अपने माँ बाप से सीखा है, वो स्ट्रगल ही था जो हमें भी यहाँ तक लेकर आया, नहीं तो कोरोना ने तो पता नहीं कितनों की बैंड बजा दी थी, ठीक है। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। तो चलिए फिर हम इस वीडियो का एंड करते हैं, मैं मिलूंगी नए वीडियो के साथ में, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स खाली और है। जो ग्रामीण लोग हैं वो समझ गए होंगे मैं भी साथ साथ क्या कर रहा था, पहले ऐसे शीशम के पत्ते तोड़ते थे, उसको ऐसे गोल गोल करके फिर ऐसे बजाते थे, तो जोर से बोलती थी, पुपाड़ी बोलती थी, ठीक है। फिर कोई आया है, बाय, टेक केयर।